Welcome, this is back and this is back again with this brand new video. Finally, we are back again with the 83rd episode. आ गया. हमने starting में एक चीज देखा कि अभिषेक भाई को निकाल दिया गया है. That was a bit surprising for me कि जब कल weekend का वारी था तो क्यों निकाला. I still don't get the point कि अभिषेक को निकाल दिया. खराब लगा मेरे को देख के यार. मेरे को लगा था शायद आज पूरे एपिसोड में दिखाएंगे वो लोग. I was a bit shocked कि ना उसके बारे में कुछ बातचीत हुई ना कुछ हुआ. उल्टा उसको खटा रहे हो नौकर की तरह वहां पर पे. पता नहीं यार क्या हुआ सीन. बट क्यों निकाला यार. जब सलमान भाई का कल एपिसोड ही था यार तो सीधा वो बातचीत करके वही निकाल देते यार. फिर उसको निकालने का क्या पॉइंट हुआ. आई स्टिल आई एम नॉट. मैं कंफ्यूज हूँ सच बताऊं तो. मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि कल वीकेंड का बारिश. कल सलमान भाई आके क्लास लेंगे. आई होप सो क्लास ले भाई. एक्सपेक्टेशन है सलमान भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज समर्थ को समझाओ. इंसानियत दिखाने बोलो उस बंदे को. एंड इंसानियत की बात आज कर रहे हैं ना. चलते सीधे आज के एपिसोड पे. आज बहुत बातें करूंगा मैं कसम से कह रहा हूं. क्योंकि ना दोगलापन डेस्परेशन घमंड क्या बोलते हैं उसको. आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड. बेशर्मी. बेशर्मी इज अ बेटर वर्ड आई वुड से. बेशर्मी. इंसानियत लोग भूल चुके हैं. लोग भूल चुके हैं. बट आज अपन नहीं भूलेंगे क्योंकि आज अपन एक एक पॉइंट पे बातें करने वाले. द रीजन देखो कभी कभी ऐसा होता है ना. अक्सर मनारा का जो डिस्प्रेशन हमने देख लिया पिछले 3-4 दिनों से हमने देख लिया कि उसको वो भजन ही गाते रहना है. सिर्फ मुनावर 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 4 गालियां भी उसे ही देनी है. बट सरप्राइजिंगली किसी ने एक चीज नोटिस की कि हमारे बातें सच हो रही है. पता है कैसे. कितने लोगों ने आप में से कितने लोगों ने हमें एपिसोड 1 या एपिसोड मतलब स्टार्टिंग एपिसोड से फॉलो करके रखा है बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में. लेट मी नो कि कितने लोगों ने आप में से हमें स्टार्टिंग से फॉलो करके रखा है. स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड से जब हमने एपिसोड 1 से रिएक्शन करना स्टार्ट किया था. याद है एक टाइम था जब वो लौंडा था एक और जो अंग्रेज नहीं आया था एक और जो प्र करके ऐसे करके कुछ करता था वो लौंडा डो. तो टब टाइम पे याद है जब एक बार भसड़ हुई थी जब अनुराग के सामने चुगली एंड ऑल हो रही थी सारी वाज मुनव्वर वाज डाउन. एंड तब मैंने कही थी आपको एक चीज़ें बातें कि एक समय ऐसा आएगा जब एवरी वर्किंग वन विल नीड मुनव्वर फॉर देयर पर्सनल गेम. एंड आज वो दिन था. एंड पिछले 2 दिन से भी मुनव्वर का ही दिन था. द रीजन आई से मनारा आयशा अंकिता विकी समर अरुण भाई साथ में कन्वर्सेशन Everywhere it was just मुनावर मुनावर मुनावर. समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या. कि there's a center point, there's a sun on the whole Big Boss house, that is मुनावर फारूकी. And we can see those people revolving around him like a solar system. समझ रहे हो. मुनावर से ही तुम्हें गालियां देनी है. मुनावर को आकर मुनावर की चाटनी है तुम्हें. आयशा का तो भाई इतना सीधा एक्सपोज हुई ना आयशा. मैं बताता हूं कैसे. देखो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि विकेट के बाद से जब वो सारा वो सेल्फ अटेंड सारी बुलशिट हुई उसके बाद से मुनावर घंटा भाव नहीं दे रहा जितना हमें एपिसोड्स में दिख रहा है. एनीवेज क्लियरली स्टेपिंग बैक. एंड जिसका एक बहुत वाजिब सा रीजन मुनावर ने ऑलरेडी दे दिया 4थी बार एंड शायद आज 5वीं बार वो दे रहा है मुनावर कि भाई मेरे को तेरे से दूर रहना है बिकॉज यू आर द वन जो कंप्लेन कर रही थी सलमान भाई को कि मेरे को वो वापस से वो नीडी दिख रहा है मेरे को. वो आप इन थी वो कंप्लेन. आयशा वाज द ओनली वन जिसने वो कंप्लेन की ना उस टाइम पे सब जन को जाके कि वो 15 दिनों से मेरे को वापस अपने फीलिंग्स में ला रहा है 15 दिनों से वापस फीलिंग्स में ला रहा है. बट जब सलमान भाई ने उसे ये चीज कन्फ्रंट कर दी कि दिस इज साउंडिंग बुलशिट एंड आप सिर्फ गधे दिख रहे हो सामने बिकॉज तुम्हारे पीठ पीछे आयशा जाके सबसे बातें कर रही है तुम्हारी चुगलियां कर रही है तो मुनावर स्टैंड क्यों ना ले अपने लिए. तुमने तो उसकी मार दिया करके पूरे शो किया ना. फिर कह रहे हो मेरी गलती क्या है. गट्स देख रहे हो आयशा की. आयशा के गट्स देख रहे हो. आयशा जी कह रही है मेरी क्या गलती है भाई मैंने क्या किया है. अरे मैंने क्या किया है. आयशा जी कह रही है मैंने क्या किया है. वाह 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 माननी पड़ेगी भाई. एंड फिर आप कह रहे हो ये तो मेरे को समझ में नहीं आता मुनावर को. मैंने 100 बार बोल दिया मुनावर भाई बोल दो ना. हाँ भाई मैंने कर दिया. जब वो 4 बार कह रही है तूने वीकेंड के बार के बाद मेरे लिए फीलिंग चेंज कर दी. हाँ कर दिया. मुनावर को सीधा बोला हाँ कर दिया जाओ. हाँ भाई कर दिया मैंने जाओ. क्योंकि आधे लोग तो बेवकूफ जैसे गधे जैसे बैठे पड़े अंदर शो पे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सलमान भाई ने बोली क्या थी. आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि सलमान भाई ने बोली क्या चीज थी. बस वो भीड़ चाल में अरे मुनावर अगेंस्ट में ना आयशा को सपोर्ट करते चाहे बेवकूफ ही दिख रहे हो आयशा को सपोर्ट करते.
पहले सुन तो लो कि सलमान भाई ने बोली क्या चीज थी। सलमान भाई ने क्लियरली वो चीज बोली थी कि द वे यू गाइज आर लुकिंग इट अप, जिस तरह की आपसे रिलेशन दिख रही है वो वैसी दिख नहीं रही जैसा आप दिखाना चाह रहे हो। एंड एट सम पॉइंट जब मुनव्वर फीलिंग्स दिखा रहे हो, ये सलमान भाई के वर्ड्स थे, ठीक है, मैं याद दिला रहा हूं सबको कि मुनव्वर तेरे तरफ से जो फीलिंग्स है ना वो आयशा कहीं ना कहीं अलग फील करी, बिकॉज वो सबको जाकर कह रही है मेरे को इसकी शक्ल नहीं दिखनी, मेरे को ये नहीं करनी, मेरे को बाहर देखने से शक्ल नहीं दिख रहा, आई एम जस्ट हियर फॉर दिस माइसेल्फ, मेरे को सिर्फ इसी के साथ रह रही हूँ बिकॉज आई नो हिम, तो मेरे को इसीलिए बस टाइम स्पेंड कर रही हूँ मैं उसके साथ। चाहे उसके एक्शन अलग दिख रहे हो, चाहे वो क्यूट एंड फ्लर्टिशियस बनना चाह रही हो, बट सलमान भाई के सामने तुमने भी तो वही किया, तुमने तो कुछ अलग रंग तो दिखाई नहीं भाई। एंड अब मुनव्वर ने स्टेप बैक ले लिया तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है, अरे यार मुनव्वर यार प्लीज आ जा यार, मेरे को फुटेज नहीं मिल रही यार, मुनव्वर प्लीज आ जा यार, प्लीज मुनव्वर भाई प्लीज फुटेज दिला दे यार, एक तो मैं तुम्हारे लिए आई शो में यार, शो में आई, थोड़ा सा फेम मिला, थोड़ा सा और सपोर्ट कर दे यार, इतना सा प्लस इतना सा, थोड़े से मिलियंस और चाहिए मेरे को, एक मिलियन फॉलोअर्स और चाहिए प्लीज मुनव्वर, प्लीज 1 मिलियन बस एक बार और, 1 मिलियन फॉलोअर्स और। ये क्या डेस्परेशन है भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। एंड मनारा ईशा के साथ कन्वर्सेशन में क्या कह रही है, इतनी डेस्परेशन भी अच्छी नहीं है आयशा की, है वाह भाई मनारा जी, सही कहा भाई, बताओ कितना एक आयरनी की बात है कि मनारा जी कह रही है आयशा के बारे में कि इतनी डेस्परेशन भी सही नहीं है, मनारा कह रही है आयशा के बारे में अबाउट मुनव्वर, मतलब रोलर कोस्टर देख रहे हो, मनारा कह रही है आयशा के बारे में फॉर मुनव्वर कि इतनी डेस्परेशन भी अच्छी नहीं है, वाओ अच्छा लगा भाई देख के, अच्छा लगता है ये देख करके, मैं मनारा आपका ये साइड बहुत सही लगता है, एंड आई नो आप ऑनेस्ट हो इन चीजों पे, तो आई कैन फील यू मैन, आई कैन फील यू एट सम पॉइंट। तो अब क्या बोला जाए भाई, आई एम सो डन विद दिस गाइस मैन, आई एम सो डन विद दिस गाइस, कि साला तुम्हें मुनव्वर चाहिए भी, तुम्हें बातें भी उसके, एंड 5 मिनट बाद, एग्जैक्ट 5 से 10 मिनट बाद आप पूल में ये कर रहे हो, 5 मिनट बाद मुनव्वर से भी लड़ाई की पूरी, उसने इमोशंस निकाल दी, एंड 5-10 मिनट बाद आप सबके साथ मिलके पूल में डांस कर रहे हो, बहुत सही इमोशंस है यार। फिर आप मुनव्वर की बातें करते, मुनव्वर तो हंसते रहता है, अरे बेवकूफो वो दिखाना नहीं चाहता कैमरा में, तो तुम्हें वो अब अलग लग रही है, वो बेचारा कोने में बैठा हुआ है। मेरे को एक चीज बताओ, कितने लोगों ने अभी तक जाकर के ये चीज उसे पूछी है, जो वो बैगन टमाटर कल उठाकर लेकर आया, वो किसको उस बारे में फिक्र है, मेरे को एक जन बताओ ना भाई, बट उसकी मारनी है तो घुस जाओ साथ में जाकर के। मनारा का तो जिंदगी में ऑब्सेशन खत्म नहीं होगा भाई, जिंदगी में ऑब्सेशन खत्म होगा, वो बाहर भी आकर जब देख ली ना कि हमें इतना फेम मिल गया हैशटैग मुनारा से, फिर भी उसका ऑब्सेशन जिंदगी में खत्म नहीं होगा। मुनव्वर ये मुनव्वर वो मुनव्वर लड़की को यूज करे, थक गए भाई हम सुन सुन के, थक गए हम, इरिटेट हो चुके मनारा, आपके फैंस भी अगर समझ के बोल रहे हो ना, मैं आपका फैन समझ के बोल रहा हूं, तो वही समझ लो कि हम इरिटेट हो चुके भाई, खत्म करो, लेट्स स्टॉप दिस बुलशिट। एंड उधर अरुण भाई समर्थ अलग लगे पड़े एक दूसरे के साथ कि मुनव्वर तो ये, मुनव्वर तो वो उसकी मिमिक्री करने में लगा है, मुनव्वर की वो मुनव्वर कह रहा है अभिषेक वाली पूरी मिमिक्री करने लगा हुआ है भाई साहब, ऑब्सेशन लोगों की मुनव्वर से। उधर विक्की भाई का एक तरह मेरे को अंकिता का भी समझ में नहीं आता यार, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुम आए हो लेकर के विक्की भाई को, क्या तो तुम लेकर ही नहीं आते, एंड जब तुम्हें उसे लेकर आना ही था पूरे शो पर के, इतने सारे नौटंकियां कर करके कि मेरा पर्सनल हेल्थ का ये है, मेरा वो है, सारी आर आप करके आए लेकर के शो पे, ठीक है, विकी भाई को आप ओपन स्टेज पे थप्पड़ मार रहे हो, आई नो विकी भाई गलत कर रहे कि वो अंकिता जी को टैंग नहीं दे रहे, ये 100% विकी भाई के साथ मैं हूं ये चीज पे, क्या उसको भी अब वो दूसरी लड़कियों के साथ जाएगा तो अंकिता जी को वो हो रही है कि साला मेरे को तो ये टैंग नहीं दे रहा, दूसरी लड़की को जाकर के भीगे होठ तेरे गाने गा रहा है, भीगे होठ तेरे नहीं कौन सा गाना, कोई गाना गा रहा था ना वही मैं लक्ष्मी का कोई सा, तो वो जो भी, फिर जाके वो मनारा के साथ बैठ रहा तो उसे अंकिता जी को गुस्से आ रही है, एंड अंकिता जी का तो ये पैटर्न रहा है, हमने कब डिकोड कर दिया था याद है, ए, ए, वो जो मनारा के साथ एक लड़ाई हुई थी, जो मनारा के बारे में उसने सोफा के सामने बैठ के पूरी रट दी थी अंकिता जी ने, याद है वो एपिसोड याद है, हमने तब के तब उसी दिन वो पैटर्न रख दी थी आपके सामने कि अंकिता जी का ये हमेशा रहा है विकी के साथ, पहले लड़ लो लास्ट में आई एम सॉरी बाबू, ऐसे नहीं चलता अंकिता जी, वो भी तो सामने वाला इंसान है, पत्थर दिल थोड़ी है यार, वो 100 बार सुनेगा आपकी, उसकी भी तो कोई इज्जत यार, इतने लोग नेशनल टीवी पे देख रहे, चांटा मार दे रहे हो यार आप, फिर आप ये कर दे रहे हो, मैन दिस इज नॉट समवन, मतलब विकी भाई है वो ले रहे, इतनी विकी भाई है जो इतनी सुन रहे हैं, बिकॉज अब
लाइक आई हैव नथिंग टू से मैन, बट देख के मेरे को भी खराब लगता है यार विकी भाई के लिए, यार वो भी तो इंसान है यार, वो भी तो अपने लिए कुछ करने आया, तुम तो उसी की मार रहे हो यार हर बार, उसकी भी तो कोई इज्जत है, उसकी भी तो कुछ पर्सनैलिटी है ना भाई, तुम तो अकेले ले रहे हो भाई, वो कुछ बोल ले रहा और फिर लास्ट में सॉरी सॉरी बोल करके मना लो भाई, तो अब इसमें क्या बोला जाए मैन। एंड आखिरी में तो जो हुआ ना भाई, इतनी मेरे को ये आई ना भाई, इतनी चिड़ मची ना मेरे को देख करके, ऑब्सेशन में बताऊं क्या होते हैं, डेस्परेशन मैं बताता हूं। एक टास्क मिला कि तुम गुलाम बनो, एक बेचारा अभिषेक जो बेचारा चार बार रो दिया भाई कि मेरे को बिग बॉस बता दो, तो बिग बॉस का मेरे को समझ में नहीं आता, अरे भैया तुम इतना नौटंकियां क्यों कर रही है, अगर बिग बॉस तुम्हें रूल से जाना है तो सीधा हटाओ यार, गेम खत्म करो ना, या फिर सलमान भाई के सामने लाने सीधा बोल दिया उसको, जबरदस्ती नचवा रहे हो यार अपने इशारों पे। वहां अभिषेक बेचारा परेशान हो रखा, वो अपनी कुछ नहीं कर पा रहा यार, उसको अलग दिमाग में एक तरह से वो ले रखा है डैमेज। मुनावर बेचारा साइड में जाकर के इतना रो रहा है, तब किसी को दिख नहीं रही, सबको अपने अपने मजे लेने हैं भाई, और सब जगह चर्चे किसके चल रहे हैं, अभिषेक मुनावर, अभिषेक मुनावर, अभिषेक मुनावर। अरे ये तो पूरा शो बना दे भाई द मुनावर फारूकी शो, मैंने कहा भी था ना आप सबको, इट इज मोर लाइक द मुनावर फारूकी शो, ये बिग बॉस 17 तो रहा ही नहीं। आयशा को टास्क मिला, उसमें भी मुनावर के कपड़े बनारा जी लेकर आओ, क्या है भाई ये, और भी तो कुछ करा लो, नहीं मुनावर से मेरे को फुटेज चाहिए, मुनावर बाहर है हमें पता है, मुनावर के ही कुछ लाओ, मुनावर के कपड़े फेंकेंगे अपन पूल में, बहुत सुंदर टास्क है मैन, क्या टास्क दिया है आयशा जी, क्या टास्क दिया है, मानना पड़ेगा भाई मानना पड़ेगा। एंड मनारा का दिमाग देख रहे हो, चीज मनारा का एक दिमाग बताता हूं मैं, आयशा जी जब कहती है कि तुझे कपड़े फेंकने मुनावर के, मनारा का दिमाग देखो कितना मतलब आइंस्टाइन लेवल का है, कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आपको हर्ट होगा, आपको हर्ट होगा तो जाएगा कैप्टेंसी पे अंकिता के ऊपर, अच्छा अंकिता की जब कैप्टेंसी पे आएगा तो मुनावर को दर्द होगा क्योंकि मुनावर ने कैप्टेंसी बनाया। दिस इज व्हेन यू यूज 100% ऑफ योर ब्रेन, दिस इज द रिएक्शन व्हेन यू यूज 100% ऑफ योर ब्रेन। इंसानियत मर चुकी है ये हमें दिख रहा है, बट अगेन कमिंग अप टू द एपिसोड, चलते सीधे एपिसोड पे फटाक से बातें ऑल करते, द होल एपिसोड स्टार्ट विद द होल पनीर पराठा डिस्कशन, जिसपे अगेन बेचारा मुनावर को एक रोटी मिली, सैड लाइफ मैन मुनावर, सैड लाइफ, सहले भाई थोड़े दिन और है, 28 के बाद तो अपनी जिंदगी है भाई, तो बेचारे को पनीर पराठे नहीं मिले मैन, 6 पराठे गायब हो चुके, बताओ 6 पराठे गायब हो रहे पनीर के पराठे यार, देखो पनीर के पराठे तुम्हारे भाई को भी पसंद है बट मुनावर से ज्यादा नहीं यार, मुनावर भाई हो सामने तो हम लोग दे देंगे यार, खा ले भाई मुनावर भाई तू खा ले, बट हाँ खराब लगा देख करके कि, बट एक और चीज हमें देखने को मिली, आयशा जी कह रही हम दोनों प्रायोरिटी में सबसे नीचे है एक कन्वर्सेशन में, समझ रहे, तो मुनावर भाई खा रहे होते, आयशा जी आकर के दे देती यार रोटी ले ले, मुनावर का एटीट्यूड भाई, मुनावर है सख्त लौंडा, अब नहीं पिघल रहा वो मुनावर अब जाकिर खान का फैन है भाई तो अब वो घंटा नहीं पिघल रहा, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए और किसी और का नहीं चाहिए मेरे को। एंड तो फिर आयशा जी भी गुस्सा हो जाती है, यार तेरे को नहीं खाना तो बोल, तू सिर्फ गेम 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 क्यों कर रहा है, फिर ये चीज अंकिता जी के पास भी चली जाती है, देखो अंकिता इज बीइंग नाइस टू मुनावर जितना हमें दिख रहा है ऑन फेस, जितना हमें दिख रहा है ऑन फेस, कि शी हैज अ बॉन्ड एंड शी लाइक्स, शी इज इन अ बॉन्ड विद मुनावर इन अ डिफरेंट वे, इशारों पे मत चल जाना भाई, मतलब इन अ डिफरेंट वे कह रहा हूं। एंड एट सम पॉइंट आई थिंक सो कि ठीक है, जब तक ये चीजें लास्ट कर रही है आई वुड से चलो ठीक है यार, चाहे किसी तरीके से हेल्प हो या किसी तरीके से बॉन्ड हो, चाहे वो साथ में खाना हो, जो भी हो, देखो विकी भाई को ये चीज फील होना बहुत जायज है मन, बहुत जायज है, क्योंकि एट सम पॉइंट जब अंकिता जी भी उसको टारगेट करके फॉर मना रहा, तो ये कहीं ना कहीं वो होता है कि अच्छा तू मेरे को मना कर रहा आटा चावल खाने तो मैं बिरयानी नहीं खाऊंगी, उस टाइप का ही है, समझ रहे हो, तो अगर मैं बिरयानी खाऊंगा तो तुमको भी आटा चावल खाना पड़ेगा, उस टाइप का, आप समझ रहे हो, तो सही है, नो इश्यूज फॉर दैट, बट आई फील कि ठीक है अंटिल अनलेस दिस लास्ट फॉर एवर चलेगा अपने को। एंड अंकिता जी आई थिंक सो कि वो दिल में रखेंगी वो चीजें कि चलो मुनावर ने कभी ये चीज हमें हेल्प की थी। बट बात कीजिए एक फाइट की, जो कि अगेन दैट वाज अ क्लियर मैन, बहुत क्लियर सी फाइट की रीजन थी मैन, एक तो फाइट पता है किस लिए हुई, मैं आपको एक रीजन दे दूं, उस पूरे एक महाभारत की एक समरी दे दूं आप सबको, वो जो फुटेज के लिए जो फाइट हुई, मैं उस फाइट का एक समरी दे दूं सिर्फ, सब्जेक्ट टू द ईमेल। मुनावर मेरे को इतने दिनों से फुटेज नहीं दे रहा, दो दिनों से यार, प्लीज मेरे को फुटेज दे भाई दो दिन के लिए, दिस इज द होल सब्जेक्ट टू द ईमेल। कि मनारा का आयशा का गेम अब जीरो हो चुका है,
नो वन इज इवन गिविंग अ शिट अबाउट हिम हर, कोई जाके उससे बातें नहीं कर रहा है। मुनावरी था जो बार बार घुस जाता था बातें करने के लिए, बट अब मुनावर भी भाव नहीं दे रहा तो बेचारी वो अकेली पड़ गई। अब देखो यही होता है आपका, जब खुद का कंटेंट या खुद का एंटरटेन करने का या खुद के बात करने की जीरो होती है ना, आप बस एक जन के भरोसे आ जाते हो गेम पे ना, दिस इज द एग्जैक्ट रिप्लाई दैट हैपेंस टू पीपल हु कम्स टू द शो फॉर दिस होल बुलशिट। सही हुआ। एंड मुनावर वो बहुत क्लियर है यार, मैंने हमेशा कही, मैंने 10 बार ये चीज, कल भी मैंने ये चीज रिपीट की कि मुनावर ने ये चीज क्लियर कर दी भाई कि मेरे को डिस्टेंस रखनी है, मेरे को भाई ने कह दिया मैं डिस्टेंस रखूंगा, बात क्लियर। एंड एक दिन में फीलिंग मर गई, हाँ मर गई, जाओ मर गई भाई जाओ। अरे जिस बंदे ने अपने घर वालों की देखी है, तुम उसके इमोशंस की बात कर रहे हो भाई, उससे बड़ा इमोशंस कुछ नहीं होता, मैं आगे बोलना नहीं चाहता, बस समझ जाओ। जिसने वो देख ली ना जिंदगी में, उसके लिए उससे बड़ा इमोशन जिंदगी में कोई नहीं होता ब्रो, जिंदगी में कोई नहीं होता। देयर इज नो किंग इमोशंस इन द वर्ल्ड दैट कैन रिलेट टू दैट शिट। ना आप इमोशंस की बात कर रहे हो तो बुलशिट मैन। आशा कह रही बिहेवियर चेंज है, एक कंडक्ट एटीट्यूड चेंज है तुम्हारा, हर दिन चेंज होता है, बिहेवियर चेंज है, बुरा लग रहा है, अपने वर्ड पे भी नहीं रहता, मैं ही झूठी हूं, सॉल्यूशन नहीं है, सब कुछ भी गेम पे ध्यान देना है, दे दे शो जीत जा जा। वीकेंड के बाद पे सलमान खान ने बोला तो तू जाके अब चेंज कर रहा है, मैं भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रही हूं, बाहर भी सेम किया था तूने, देख लिया वापस से वही मैटर आ गया ना, ले देखे वापस से वही रोना पिटना वापस से चालू हो गया, मतलब समझ रहे हो। अब उन्होंने कहता कि जो बोलना है बोलो, मेरे को मैंने आपको अपना स्पेस दे दिया, मैंने आपको अपना स्पेस दिया, मैंने कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाया, मैं एक रिस्पेक्ट से आपके लिए वो चीजें कर रहा था, डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो तो आई एम सॉरी अबाउट द होल रोटी इंसिडेंट, मैं गुस्से में था आपको भी पता है, जो आपको सबने समझाया है आप वही समझ रहे हो, आप मेरे से नॉर्मल रह सकते हो, मैं अब नॉर्मल हूं, मेरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अब 3-4 बार मैंने पूछा है हमेशा खिचड़ी विचड़ी के लिए सारी चीजों के लिए। एंड अगेन मैं आई रिपीट, मैंने ऑल्सो ये बिग बॉस मुनावर ने बहुत बारी चीजें कही कि भाई मेरे से एक्सपेक्टेशंस आप मत रखो, 15 दिन जो मैंने किया मैं खुद श्योर नहीं था, आई वॉज होल इन टू द जोन, अब मैं जब श्योर हूं तो मैं एक फीलिंग के साथ हूं। तो जब आयशा जी आप ये चीजें कह रही हो कि मेरे को पसंद नहीं है मुनावर, तो 15 दिनों में मुनावर कैसे पसंद आ गया मैडम आपको, किस बेसिस पे पसंद आ गया आपको, किस बेसिस पे, आप तो शक्ल दिखने वाली नहीं थी भाई, तो अब तो भाई ने बोरो प्लस भी नहीं लगाया भाई, और गोरा दिख रहा है वो बात अलग है, बट ये चीजें गलत है भाई, ये चीजें गलत है, लाइक द वे शी इज हैंडलिंग द होल शिट। एंड अभिषेक तो वही चीजें कह रहा है कि दोस्ती नहीं है तो एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो, दोस्ती नहीं है तो एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो, बट अगेन उसको अभिषेक को भी जवाब देना है कि तू बीच में क्यों आ रहा, नॉर्मल है ये। एंड अभिषेक ने कहेंगे ना डिकोड कर लिया है कि उसका नॉर्मल है ये, उसके पास कोई है नहीं, अब मुन्ना का साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसे तू चाहिए, मुनावर कहता वो कहता उसे तू चाहिए, मतलब मैं उसे मैं नहीं मिल रहा मुनावर अपना एटीट्यूड, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी अब लोगों से, उसको लग रहा है कि मैंने हर्ट किया तो अब वो मेरे को हर्ट कर रही है वो उसका, एंड कहीं ना कहीं वो हमें क्लियरली दिख रहा है, जैसे अभिषेक ने भी कहा कि उसका ईगो हर्ट हुआ है कि मेरे को नेशनल टीवी पे आकर ये अब मेरे को कैसे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये सेम बंदा था जो मेरे पीछे भाग रहा था 10 दिन पहले से। तो सही, आई कैन फील व्हाट अभिषेक इज ट्राइंग टू से, वो समझ में आ रहा है, आई थिंक सो आप सबको भी समझ में आ रहा है कि अभिषेक क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बट एक सडनली इतनी सारी बुलशिट होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, आप पूल में जाके ये कर रहे हो, थोड़ा सा अजीब लगा, बट अब क्या बोल सकते हो मैन, लाइक यही है सैड ट्रूथ, बट दिस इज द सैड ट्रूथ। फिर हमें बात करते हैं, मनारा और ईशा की कन्वर्सेशन हो रही थी सोफा के अंदर जब ये सारी चीजें हो रही थी। देखो अगर कोई नेशनल, मतलब मनारा का ये चीज क्वेश्चन था उससे कि अगर तेरे को नेशनल टीवी पे कोई मना कर दे तो तू क्या करेगी, लाइक कोई रिजेक्ट कर दे, ईशा कहती है मैं छोड़ दूंगी, बट मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपसे एक जनरल पूछता हूं आप सबसे, अगर मेरे को कोई अगर ये क्वेश्चन पूछे ना कि अगर तेरे को नेशनल टीवी पे कोई रिजेक्ट कर दे तो तेरे को कैसा फील होगा, आई फील कि अगर इफ आई एम इन ट्रू लव ना, आई थिंक सो आई विल स्टिल गिव अ, मैं 2-3 ट्राई और मारूंगा, अगर शायद मैं उस जगह पे, अगर आयशा की तरफ से अगर मैं आंसर करूं ना, तो अगर मेरे को रियल होगा, वो आयशा वाला फेक वाला नहीं रियल वाला होगा, समझ रहे हो,
अगर रियल होगा ना तो मैं दो तीन ट्राई और लूंगा एक बार, आई विल स्टिल टेक होप्स एंड मैं फिर भी दो तीन बार ट्राई करूंगा। नेशनल टीवी पे क्या यार, इसमें भी अगर आप एक तुम प्यार में हो, लव में हो, उसमें भी अगर आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट ले आओगे ना चीजें, ईगो में लेने लगो ना चीजें, तो फिर तो वो टिक गया भाई रिश्ता, वो टिक गया भाई, दिख गया हमें। तो समझ रहे हो ना सीन क्या है, बेसिकली द होल मैटर स्टार्टेड एंड ऑल। इसमें ईशा जी मनारा जी का कुछ थी चीजें जो मेरे को बात करनी है, दोनों एक जैसे ही हैं, उसे मुनारा को डैम उसने मुनारा मनारा मुन्नावर को डैमेज दिया है, उसे उस चीज की दुख है कि मुनावर की लिस्ट में वो सेकंड पे आ रही है एंड वो इतनी डेस्परेट नहीं हो सकती। ये मनारा कह रही है आयशा के बारे में कि वो इतनी डेस्परेट नहीं हो सकती एंड उसको मुनावर को यूज करके गेम में आगे जाना है, उसको इंडिविजुअल खेलनी चाहिए, मुनावर के इमोशंस नहीं है। जिसपे रिप्लाई करते हुए ईशा जी कहती है कि वो तो हंस रहा है फुल, मतलब शी इज स्टिल इन लव विद मुन्ना एंड मुन्ना लाइक्स आयशा। अब ये तो हमें भी नहीं पता भाई, अगर एक्चुअली में ऐसा है कि मुनावर स्टिल लव विद आयशा या फिर जो भी चीजें हैं, अब भाई मैं दिल के अंदर घुस के ऐसे करके तो नहीं देख सकता ना भाई, अरे आयशा का चित्र तो दिख नहीं रहा हमें, या तो सिर्फ नाजिला दिख रही, ये तो हम नहीं कर सकते ना भाई। अब मुनावर के अंदर कोई फीलिंग्स है वो मैं बता नहीं सकता भाई, तो उस लेवल का डीप मेरा तो थॉट नहीं है भाई, अगर ऐसा कुछ है भी तो पता नहीं ईशा को कैसे डिकोड हो गया। अगर ईशा को डिकोड हुआ है तो माननी पड़ेगी भाई, शायद उसने वो फीलिंग की होगी, बट अपन को घंटा समझ में नहीं आया, सच बताऊं तो मैं तो देयर वाज अ होल थिंग। देखो एक कन्वर्सेशन तो क्लियर हमें समझ में आ रही है, एक तो मनारा इतना ओवर थिंक करती है ना, बाप रे बाप, मतलब ये रियल लाइफ में भी ऐसी है भाई, कितना ओवर थिंक करती है। जब अंकिता जी, देखो क्या होता है ना अक्सर, क्या होता है ना, जब एक अंकिता जी और इसके साथ एक कन्वर्सेशन चल रही थी, अंकिता विकी और मनारा थी, विकी भाई इज इन अ कन्वर्सेशन विद ये मनारा चीज, ठीक है, वो बातें होते होते अंकिता जी कहीं ना कहीं टोंट मारना शुरू कर देती है कि एक तो यार ये कि क्या गया, हाँ कि मैं आपसे बात करूं तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अंकिता मतलब विकी से पूछ रही है वो अंकिता के बारे में, तो विकी कह रहा नहीं उसको, अगर उसको मैं उतना लिबर्टी देता हूं कि वो मुनावर से दोस्ती रख सके एंड मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं बिकॉज आई नो अंकिता, सारी चीजें वो कह रहा है। एंड इस बीच में क्या हो जाती है, वो जाकर मनारा के साथ अंदर बैठ जाता है एंड शी वॉज वो बालों को ये कर रही होती। बट इसमें पता मेरे को सबसे गलत क्या लगा, द वे अंकिता हैंडल द सिचुएशन। अरे भैया उसकी भी देखो इज्जत कर लो, उसकी भी देखो इज्जत कर लो यार, नेशनल टीवी पे तुम उसकी मार रहे हो यार हर जगह से, ऐसा नहीं अच्छा लगता। आई नो विकी भाई को टाइम देनी चाहिए, अंकिता जी को भी, वो टाइम नहीं देता है, ही इज ऑलवेज इनटू ऑल ऑफ दोस गर्ल्स, बाकी सबके साथ वो टाइम स्पेंड करता है बट अंकिता जी के साथ वो स्पेंड नहीं करता टाइम, बट आई थिंक सो इज मोर लाइक एन इरिटेटेड भाई, मेरे को फील होता है कि शायद वो बंदा इरिटेट हो चुका है इन सब चीजों से एंड उसे वो एक लीव चाहिए कि भाई मेरे को छुट्टी दो चार दिन के लिए, मेरे को उस जोन से बाहर आना है एंड फिर आई कैन स्पेंड माई टाइम विद, दिस वॉट आई फील। कि खैर मेरे को लगता है कि शायद विकी भाई ना अंकिता जी से बोर हो चुके, बोर इन द सेंस नॉट वैसा बोर, बट वो होता है ना कि एक टाइम पे आप थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए होता है कि यार मेरे रुक जाओ मेरे को 10 मिनट दो, वैसा ब्रेक कि मैं 10 मिनट बाद ठीक हो जाऊंगा मेरे को एक ब्रेक दो। बट अंकिता जी बार बार तेरा ये काम है, तुझे बोतल में पानी भरनी है, तुझे फ्रिज में बोतल रखनी है, हमारे घर में ऐसा होता है, संगीत पानी रख दे भाई फ्रिज पे, अभी नहीं होता क्योंकि गर्मी का टाइम नहीं है, अभी ठंडे का टाइम है, बट ऐसा होता है भाई गर्मी में, या संगीत फिल्टर से पानी भर के बोतल में रख दे, झाड़ू लगा दे, ये सब काम हमारे यहाँ आता है। सॉरी मैं ये सब बता भी रहा हूँ क्यों, सॉरी यार कट कर देना भाई, बेइज्जतियाँ हो जाएंगी भाई, कट कर दे इसको रोहित, कट कर देना भाई मैं भाई बेइज्जतियाँ करवा रहा हूँ भाई अपनी, ठीक है छोड़ो कट कर दे उसको बड़ा। बट विकी एंड अंकिता की जो सारी फाइट है वो हमें दिख रही है सीधी क्लियर, आई होप सो कि इस पे क्या बातें नॉल होगी वो हमें देखने को मिलने वाली है। बट हाँ मेरे को फीलिंग आता है कि अंकिता जी को थोड़ी सी एक बार छुट्टी देनी चाहिए विकी भाई को, क्या ये सब क्यों तू लगे पड़ा है उसके पीछे, थोड़ा सा उसको छुट्टी देना, और घुस रहा है मनारा के पास, मेरा भाई है मुनावर, तू मनारा के साथ ही रहता है, मेरी दोस्ती पहले दिन से है अबाउट मुनावर, फिर लास्ट में वो वापस रोने वाला एंगल में आ जाती है, आई एम सॉरी बाबू वाला, समझ रहे हो। विकी कह रहा है मैं उनके सामने खाऊं क्या, जिसने इतने दिनों से इतने टाइम से खाना नहीं खाया, वो अभी सही है विकी भाई की, कि तू मुन्ना के साथ रहती है मैं कुछ बोलता हूं क्या, छह लोगों के सामने खाऊं क्या, ये तेरा क्या तरीका है, तुझे है प्रॉब्लम, तू पब्लिक में मेरे को एम्बैरेस करी। देखो यार ये बात तो सही है, बात तो सही यार, कोई कितना दिन तक सपोर्ट करेगा इन सब चीजों को, एक टाइम तक आप खुद बोर हो जाते भाई, मेरा भी तो कोई पर्सनालिटी है, तुम तो नंगे करने में लगे हो यार, तो वही चीज हो जाती है। बट हाँ
एक टास्क आता है याद है, एक रिवॉल्यूशन टास्क होता है, जब सोहेल भाई और अरबाज भाई आते हैं वीकेंड के बाद के टास्क में, बहुत मजेदार एपिसोड हुआ। आगे देखो वो टास्क बेसिकली मिला है ना, अंकिता जी को पावर मिला कि दो को एक्सेप्ट करो, उसने दो को एक्सेप्ट कर लिया, एक तो मनारा गुलाम रह गया अभिषेक। अरे यार अभिषेक ने कितना स्पोर्टिंगली लिया भाई उसको, कितना स्पोर्टिंगली लिया। एंड आयशा और समर्थ वापस से अपनी वो भेड़ चाल सुअर जैसे बोलने लगे बीच बीच में, वापस से सारी टॉन्ट गेम चालू कर दी उसने। कितना स्पोर्टिंगली अभिषेक करता, आयरन कर रहा था वो जाकर अंकिता की साड़ी या कुछ भी, सामने आकर वो सारी चीजें मजे कर रहा था, झाड़ू दिया उसने, फिर क्या क्या उसने किया, कितना स्पोर्टिंगली किया। और एक मनारा अपने एटीट्यूड में घुसी पड़ी है, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना। और आयशा कैप्टेंसी टास्क मिला है, एक टास्क में भी मुन्ना वर के कपड़े फेंक कर आते, ये कंटेंट है आयशा के, कंटेंट है ये, मुन्ना वर के कपड़े फेंक के आते। चलो भाई साहब, मुन्नावर 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 साला शो बना दिया मुन्नावर के नाम से। बिग बॉस 17 नहीं, ये मुन्नावर शो चल रहा है भाई। एंड जैसा हमने कहा भी यार समर्थ, एंड बात करिए समर्थ और इसकी ना, कि इसको छोड़ दूंगी, कहां गया वो, मेरे को इसके बारे में बात भी करनी थी, कहां गया वो। क्योंकि देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है यार, कि जब एक्चुअली लोगों को जानी चाहिए मुन्नावर के पास, एक तो बंदे के पास खाने के वांदे लगे पड़े भाई, वो टमाटर ना क्या क्या वो लेकर आया था, कुकुम्बर ना क्या क्या लेकर आया था, वो खीरा वीरा वो सब चीजें वो लेकर आया था उस टास्क में, उस टाइम पे किसी को नहीं, मजे लेने सबको जाने भाई, मजे लेने सबको जाने। एंड ईशा और अभिषेक के साथ, ईशा और अपने समर्थ के साथ वही चीजें हुआ। अब ईशा कह रही है कि तुझे से फिजिकल टच करने है, मेरे को ने क्या क्या बुलशिट कहा उसने, मैं वो कन्वर्सेशन ढूंढ रहा था। हाँ, तुझे फिजिकल टच चाहिए, सिर्फ इमोशंस नहीं दिखता मेरे को, समझ बोलता है भाड़ में जाए नॉल। तो पता नहीं भाई क्या सीन है यार, लाइक आई एम सो डन विद दीज गाइज मैन। आई होप सो सलमान भैया के क्लास लगाए भाई, आई दिस इज ऑल आई वॉन्ट। अगेन अभिषेक का एविक्शन हमें दिखने को नहीं मिला, बात कीजिए आखिरी की, आखिरी के पलों की। एंड वो क्लियरली में ऑब्सेशन दिख रहा है हमें दोनों का ही, एंड मैं नहीं छूती उसे। मनारा जी कहती है बहुत बहुत काम है सर में ही, हाँ बहुत काम है मेरे, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं छूती उसके कपड़े, मैं काम नहीं करूंगी तो अंकिता पे आएगा। और जिस वो जो मैंने कहा ना आपको कि उसके ब्रेन कितना बड़ा आइंस्टाइन लेवल का, व्हेन यू यूज योर 100 IQ, ये उस कन्वर्सेशन की बात हो रही थी। एंड फिर मनारा जाती है, उसके कपड़े लेकर आती है, एंड वो आती है, एंड उसका आलाते सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था कि वो डोंट कॉल मी बेबी वाला वो जो टी शर्ट है उसे उड़ाकर फेंक देते, समझ रहे हो ना भाई साहब। खानजादी का घमंड है, ये सब उनकी बातें, भाड़ में जाए वो तो। मुनावर कहता है कोई बात नहीं, फिर वो मनारा कहते अगर वो नहीं मेरे को बोलता नहीं ना कि मत फेंको तो मैं फेंक देती, ये मनारा जी के शब्द है। कोई जगह नहीं है दिल में मेरे, कोई जगह नहीं है मेरे दिल में उसके लिए, ही डजंट डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म, ये मनारा जी कह रही है, ये मनारा जी कह रही है कि आप डजंट, अरे मनारा जी कह रही है कि मुनावर इस प्लेटफॉर्म को डिजर्व नहीं करते। बताओ लॉकअप से पहले मुनावर ने जितना करियर में कबाड़ा होना, शायद मनारा के आज के दिन के करियर टच भी नहीं कर पाएंगे भाई मुनावर के। मैं आपको एक सबको एक फैक्ट बताता हूं, मनारा के जो आज के करियर डेज है ना, जहां पे वो पीक पे करियर में है, जो भी है जितने भी उसने काम कर रखे जिंदगी में अपने, मुनावर का जो लॉकअप के पहले का टाइम था ना, लॉकअप के पहले का टाइम में बात कर रहा हूं, 2022 का शो था लॉकअप में, आप सबको याद दिला दूं, उस टाइम पे मुनावर ने जितना कबाड़ लिया था ना, वो शायद आज बराबर होगा मनारा के, जितने मनारा ने आज कर रखे हैं काम। भरोसा नहीं होता ना काम करो, कभी गूगल करना और आराम से बैठकर देखना सबके काम, ठीक है, कितने लोगों ने काम कर रखे, कितने लोगों ने कबाड़ रखा है पूरे शो पे, कितने लोगों ने जिंदगी में कर रखा है। एंड फिर मनारा जी आप ये बाहर आकर कहना मेरे को कि मुनावर डिजर्व नहीं करता, क्योंकि अगर मैं डिजर्व करने पे जाऊं ना, और मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता, इशारा समझ रहा हूं मैं किस वर्ड की बातें कर रहा हूं, तो लोगों को अच्छे से पता है कि कौन डिजर्व करता है शो पे और कौन खैरात में आकर बैठा हुआ है शो पे। इतने गधे लोग हैं नहीं, इतने तो नहीं है ब्रो जितना आप समझ रखे हो शो को, और ना ही शो के लोगों को शायद समझ रखे हो, तो इतने बेवकूफ तो लोग नहीं है कि उसे अच्छे से पता है कि कौन डिजर्व करता है शो पे या फिर कौन सिर्फ
मुफ्त की रोटियां टोल रहा है शो पे बेसिकली। तो आई थिंक सो कि मैं तो कहता हूं मुनर को जवाब ही नहीं देनी चाहिए भाई, मैं तो कहता हूं ना भाई मुनर को जवाब ही नहीं देनी चाहिए ये सब गटर चीजों में। पता नहीं मुनर देता क्यों है भाई, उसको तो भाव भी नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूं भाई भाव तक तो मत दो भाई, बेस्ट रहेगा वो। क्योंकि आई रिमेंबर मुनावर और अभिषेक की कन्वर्सेशन हो रही होती है, उस कन्वर्सेशन को मैं वापस लाना चाहूंगा। हाँ, एक कन्वर्सेशन होती ईशा के मम्मी के बारे में बेसिकली, कि ये हमारा ब्रेकअप होता है ईशा की मम्मी को लेकर के। अगेन आई एम नॉट एनीवन जो इस चीजों में जज करने वाला है सब चीजों के बारे में, क्योंकि मेरे ओपिनियन अगर जानना चाहोगे ना शो पे तो मैं कहूंगा नहीं यार वो गलत चीज थी, क्योंकि अगेन यार वो वापस से पर्सनल वाली चीजें ड्रैग हो रही है इन सब चीजों पे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यार ये सब चीजों से दूर ही रहे, क्योंकि ऑलरेडी कम गंद फैल नहीं रखी है यार पूरे शो पे, ऑलरेडी कम गंद फैल रखी है नहीं शो पे। सैम को जो चाहिए वो तो तू करवा दिया, अगर उसने बोला ये करने से पहले तो पोकिंग हद पर है। सैम को सॉरी बोलूंगा मैं, दिस इज अभिषेक स्टेटमेंट, एक रात में कन्वर्सेशन हो रही थी अभिषेक के साथ। तो मुनावर कहता अगर आगे तू अगर बच गया तो इन सबकी मुंह बन जाएगी, विच इज अ फैक्ट, क्योंकि एट सम पॉइंट सबको पता है कि अभिषेक इज अ फकिंग डिजर्विंग टॉप थ्री इन एनी वेज, एंड वो दिख रहा है क्लियरली, तो सबकी फटेगी तो जरूर से। एंड मुनावर को अपनी गलती पे रिग्रेट हो भी रहा है कि साला अगर मैंने तेरे को रोक लिया होता ना वहां पर तो ये इतनी आगे चीजें नहीं बढ़ती, विच इज आई थिंक सो समवेयर अ फैक्ट, कि अगर मुनावर इतनी समझाने के बाद अगर वो थोड़ी से कदम आगे बढ़ाकर मुनावर उसको रोक लेता, अगर वो उसे रोक लेता तो शायद ये इतनी गंदी बात नहीं होती। तो बस यही था आज का एपिसोड, आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते, तालाब में मैं गंदी नहीं होना चाहती जाकर के, घटिया लेवल नहीं है मेरा, एंड कपड़े फेंके जा रहे हैं भाई बंदे के। तो दिस इज द होल शो मैन, दिस इज जस्ट मुनावर फारूकी शोज मैन, द मैन हु इज रूलिंग मैन, आई वुड से ही इज रूलिंग, वो चल नहीं रहा मैन, ही इज फकिंग रूलिंग द शो, गेम में भी वोट्स तो क्या ही कहना मैन। तो दैट इज द होल शो, कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आप सबका कैसा वीडियो में, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय।